नमस्कार, आप हैं आईबीएन 7 के साथ और मैं पायल भुयन। अब से 20 घंटे बाद बिहार चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव परिणाम आने से पहले कई चैनल्स में आए एग्जिट पोल ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांटे की टक्कर होने की उम्मीद भी है, लेकिन इसके बावजूद हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव परिणाम आने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने खास बातचीत की। लालू ने बातचीत में फिर से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं इस चुनाव में की, 250 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की। लालू जी, बहुत थकावट भरा चुनाव प्रचार है? नहीं, हम अब जब चुनाव खत्म हो गया तब थकान महसूस हो रहा है। लालू जी, चुनाव में शैतान, नरभक्षी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुई, आपको लगता है कि इस चीज से बचना चाहिए था? जी, देखिए कितना भलगर स्टार्टिंग किया इन लोगों ने, भलगर बात। कौन इसको अप्रिशिएट करता है? और आप लोग ये तो सर्च करिए कि किसने ये शुरू किया, कौन शुरू। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर देश के बने हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये संघ के प्रचारक हैं और संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं ये यहाँ पर। इन्होंने कहा डीएनए में खराबी है, इन्होंने तो हम लोगों से जवाब देना जरूरी था। शैतान, मुझे कहा शैतान मतलब घोस्ट मतलब कोई, तो हमको तो जवाब देना ना पड़ेगा कि आप कौन हो। हमारे जवाब दिया जवाब हमने, तो ये बात फुहरपन बात है इन्होंने की दो मास पड़ाके वहाँ फूटे गए, तो ये कमरलाइज करने का काफी कोशिश किया। ये बड़े होशियार और चलाक लोग हैं, इनको मालूम था कि इनकी जमीन खसक गई यहाँ से, तो इनका बिहार ने और हमने मजबूती के साथ महागठबंधन के नेताओं ने हम उनका मुकाबला किया है। और उस आधार पर अब बताओ 90% जनता एक तरफ है और 10 एक तरफ है, और कौन चाणक्य टीवी दिखा दिया, मैं जानता हूं कि कौन है, कैसे करवाया गया, दे दिया कि 155 एनडीए को आ रहा है, हम लोग को 83 पर लटका दिया। मतलब डिमोरलाइज कैसे किया जाए, और कोशिश इनकी हुई कि अफसरों पर इसका प्रभाव पड़े, ब्यूरोक्रेसी पर जीत रहा क्या। तो ये सारा करतूत इन लोगों ने किया, सब गड़बड़ गड़बड़ बात किया। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इनको एक क्षण बैठने का अधिकार नहीं है भाई। जब बैकवर्ड इशू पर ही पकड़ा गए रिपीटेडली, मोहन भागवत ने एक दिन नहीं, यहाँ गोरखपुर में, लखनऊ में, कि मैं कायम हूँ, वही नहीं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया, उनको भी इंसल्ट किया है, बन जाओ थर्ड में गुरु गोलो कर कि ये उलूर जुलूर कागजों का ये पुलिंदा है। आप बात समझिए कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इनके सीरियस डिजाइन को मैंने समझा और यहां से निकल गए, हड़पना चाहते थे कलकत्ता, नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। इनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र जो करता है ढोंग सत्ता में बैठने के लिए सब, ये है उनका खतरनाक डिजाइन। आप देख रहे हैं कि कट्टर पंथ के खिलाफ सारे विद्वान लोग, पद्मश्री, पद्म भूषण, देश रिजर्व बैंक, सारा लोग अपना उपाधि लौटा रहा। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि ये किसी डिजाइन के तहत अपनी उपाधि लौटा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अभी बताए, हम सुना है कि कहा कि कांग्रेस पार्टी करवा रही है। अब इतना अंधा लोग अब इनको और दूसरे सबसे हम एड्रेस नहीं कर सकते हैं। हमारा डिग्री कोई मिला हो तो हम लौटा देंगे। कितना लोग जोर तोड़ करके इसमें घूमते चलते हैं, लोग रहते हैं विद्वान लोग, देश में जो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये लौटा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को एक दिन रहने का हक नहीं है कुर्सी पर। क्यों? जब बैकवर्ड इशू पर ही पकड़ में आए, अब बोलने लगे मैं अत्यंत पिछड़ा, मैं अत्यंत पिछड़ा, मैं अत्यंत पिछड़ा हूं, मैं हूं, जिंदगी भर रिजर्वेशन रहेगा होल लाइफ मेरा। बोला जब आग लग गई तभी फायर ब्रिगेड लेकर चले, जिसमें पानी नहीं था,
तो हमने कहा कि अगर ईमानदार हो, निष्ठावान हो, निष्साफ है रिजर्वेशन के प्रति, तो बंच ऑफ थर्ड जो गोल वर्कर का चित्र के साथ किताब है उसको डिस्ट्रॉय करो, नई अग्नि में डाल सकते हो, तो आप जैसे कि कंडेम करोगे आदमी ठीक नहीं थे और उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इनका सब चाल फेल किया हम लोगों ने। अब ये बताइए, तब ये भूला लालू नीतीश 5% होगा इसका 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 काट के 20% भोला, सुने होंगे कि मुसलमानों को देना चाहते हैं आरक्षण। इस देश का प्रधानमंत्री जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये आदमी एक क्षण भी बैठने के काबिल नहीं है। इनको जवाब नहीं मिलता था, यहां बढ़िया से जवाब इनको मिला है। लालू जी, आप लंबे समय से लेकिन जनप्रतिनिधि रहे हैं, इतना लंबा अनुभव रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लालू जी को नहीं करने चाहिए। गरिमा के लायक ही नहीं है ये पद को डिजॉर्डर, बात हम व्यक्ति को बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उस पद की गरिमा को गिराया, इतना ओछा प्रधानमंत्री मुल्क को पहली बार मिला, बिलो बेल्ट, बिलो बेल्ट है ना? आपको प्राइम मिनिस्टर की डिग्निटी है, ऑनर है, प्राइम मिनिस्टर नॉट प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई पार्टी का नहीं है, पूरे नेशन का होता है, ये तो गिरा दिया। ही इज मैंने मतलब एक प्रचारक संघ के प्रचारक के रूप में मोदी काम किए कर रहे हैं। गोमांस का बात उठाया, कोई आदमी गोमांस का बात नहीं बोला था यहाँ, इसके एजेंडा है। जब इसकी जमीनी लोगों को खिसकने लगी तो हमने पूछा इससे सवाल कि 40,000 करोड़ का जो बीफ का तुम एग्रीमेंट किए हो दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए और 5 बुचरी जो खुलवाए हो, ये सारा फिगर है, इसमें 4 ब्राह्मणों का है, 1 मुस्लिम का है और तुम्हारे गुजरात में है, तो इस पर तो तुम जवाब दो। पाकिस्तान के को हमारे अंदरूनी मामले में बोलने का हक नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने बयान दे दिया कि संसार में भारत दूसरा एक्सपोर्टर है बीफ के मामले में, एंड बीफ इज ए कंपोजिशन ऑफ काउ, बफेलो एंड ऑक्स एंड हॉर्स ऑल्सो, हॉर्स या जो भी हो, तो इसका जवाब नहीं दिया। तुम्हारे गुजरात में है और यहां पर कमलराज करने का कोशिश की। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश जी को आप कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लालू जी की क्या भूमिका रहेगी चुनाव के? नतीजे भूमिका है, हमारा कमिटमेंट है कि असली लड़ाई है दिल्ली को हम ढाएंगे। एक दिन भी दिल्ली में हस्तिनापुर में संघ के प्रचारक को रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर। आप पूछिएगा कि आपका नंबर तो है नहीं एमपी का, जन आंदोलन खड़ा कर, जन आंदोलन से इनको हम नस्तनाबूद कर देंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, जेल से स्वराज मिला है और सारे राज्य में भी हम दौरा करेगा और बिहार के वर्डिक्ट के बाद पूरा देश अभी गर्म हो जाएगा, नई दिशा मिलेगी।